हेलो हेलो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आप आसाम की जगह बंगाल में चुनाव जीतना चाहते थे मुसलमान हिंदू करके, लेकिन बंगाल में आप चुनाव हार गए। यही मुलायम सिंह बोल रहे थे, बच्चे है गलती हो जाती, बलात्कार में तो बोल रहे थे, यही बात बोल रहे थे। गांव से विधायकों गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो रातों रात बनती है यहाँ की उरई की सड़कें सिर्फ नेताओं के लिए। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, ये पब्लिक है सब जानती है। हमारा कार्रवाई सबका आ चुका है जालौन के उरई विधानसभा क्षेत्र में, और आपको बताएं कि ये एक रिजर्व सीट है और 2017 में बीजेपी यहां पर बड़े मार्जिन से जीतकर आई थी। और बुंदेलखंड का ये वो इलाका है जहाँ पर लगातार विकास की बात बहुत की जा रही है सरकार के द्वारा कि यहाँ पर विकास काफ़ी हुआ है, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। इनसे जानेंगे क्या वाकई में पिछले 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सब जानते हैं बुंदेलखंड में पानी की एक बड़ी समस्या रहती है, किसानों के बड़े इश्यूज रहते हैं पर, क्या बाकी 5 सालों में सरकार ने कुछ इश्यूज सॉर्ट आउट किए हैं कि नहीं किए। पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, हम सीधा जनता के पास चलते हैं। भाई साहब ये बताइए कि चुनाव आने वाले हैं, 20 फरवरी को यहाँ चुनाव होना है, क्या लगता है पिछले 5 सालों में कुछ क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? देखो, क्षेत्र में विकास तब दिखता है शिक्षा के ऊपर स्तर पर काम हुआ हो, रोडों पे हुआ हो, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोगों क्या चाहिए। जो आज की स्थिति देखिए, जो कर्मचारी नौकरी करने के बाद रिटायर्ड होता है, रिटायर्ड होने के बाद उसको 2,000-3,000 रुपये पेंशन मिल रही। 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। 5 सालों में काम के नाम पर विधायक जी का और यहाँ के जिला जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता है उनके यहाँ विकास हुआ, बाकी जनता के बीच में कुछ नहीं हुआ। जनता का विकास नहीं, किसानों की आप स्थिति देखिए, अगर एक दिन के लिए कहीं चले जाते हैं रिश्तेदारी में तो उनकी फसल है जो एक दिन में ही खत्म हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों? हजारों की संख्या में अन्य जानवर घूम रहे हैं, हजारों की संख्या जो आवारा पशु हैं, हाँ, उनसे कई लोगों की दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आप देख लीजिए, आप पूरे शहर में कहीं भी जाइए, हर चौराहे पे 5-10 जानवर बैठे होंगे। मतलब आवारा पशुओं की बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, इससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। और सबसे बड़ी अभी ओलावृष्टि हुई हमारे यहाँ, असीमित ओलावृष्टि हुई है, पानी बरसा है, उससे किसानों की फसल को क्षति हुई है। मटर की फसल जो टूटनी थी, सरकार तो कहती है कि हम अगर फसल बीमा हमने करके दिया था किसानों को, बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए हुआ है, किसानों के लिए नहीं हुआ। किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है। किसान इस टाइम इतना परेशान है क्योंकि मटर की हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत अच्छी फसल होती है, मगर ये ओलावृष्टि के कारण और पानी के कारण इतना नुकसान हुआ है कि कुछ नहीं, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसी जो अखिलेश यादव जी ने माननीय उन्होंने जो योजनाएं लागू की थी, बस उन्हीं पे काम हुआ है। अच्छा। इनकी कभी तक कोई ऐसी योजना नहीं आई है कि जो हम एक्सप्रेस वे यहाँ पे बनने जा रहा है, पानी की सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, अभी इतना बड़ा डैम यहाँ पे सरकार, ये सब जो योजनाएं होती है सिर्फ माइक पे उन्होंने कह दिया, मगर जमीन पे कुछ नहीं है। देखिए, पब्लिक है बता रही है कि जमीन पे योजनाएं नहीं है, क्या वाकई जमीन पे योजनाएं नहीं है? बिल्कुल, अभी ऐसा कहीं कुछ भी देखने को तो मिल नहीं रहा है। जो भी योजना है कागज पर है, जमीन पर कोई योजना नहीं है, सिर्फ विकास के नाम पे बेवकूफ बनाने काम किया जा रहा है। क्या वाकई बेवकूफ बनाने काम किया जा रहा है जनता जैसे बता? बिल्कुल हकीकत बात बिल्कुल यही है, चूंकि है क्या विधायक जो यहाँ के हैं खुद तो गवर्नमेंट चलाती नहीं है, मान लो सरकार ने जो दे दिया, उनके जो चेला चपाटी हैं या उनके लड़के हैं, उनके पीछे की अगर स्थिति देखी जाए तो खुद में मान लो उनके यहाँ पक्का मकान ही था, किराए पर लोग रहती थी। आज स्थितियाँ ये हैं कि बड़े बड़े मॉल, मतलब मॉल जैसे मेरे झाला खरीद लिए, जमीनें खरीद ली। आपका कहना है कि जनता का विकास नहीं हुआ है, अपना विकास किया है। अपना ही विकास किया है, जनता का उतना विकास नहीं हुआ है जितना यहाँ पर नेताओं ने अपना विकास किया है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विकास के नाम पर बिल्कुल छलावा हुआ है जनता के साथ, चाहे रोजगार का मुद्दा हो या अन्य जानवरों का मुद्दा हो। किसान की आय दूनी का करने का वादा था, वो भी किसान आज बहुत बुरी स्थिति में है। बेरोजगारी के मामले में सबसे ज़्यादा बुरी हालत यहाँ पर हमारे युवा साथियों की है। उरई में कुछ काम नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में? अभी तो हमारे देखते हुए तो हमें नहीं लग रहा है, जैसे ददरी खरका टीकर को रोड है आज भी ऐसे ही डले हैं, 4.5 साल हो चुके हैं सरकार को बने हुए, सरकार से तो कोई लेना देना है ही नहीं। हम तो ट्रांसपोर्ट से अपना वो रखते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों को कोई सुविधा नहीं दी गई आज तक, ट्रक वालों को डीजल तो महंगा है ही है, आप तो देख ही रहे हैं। देखिए सब भाड़ा वही है, ट्रांसपोर्ट की पूरी मट्टी बली से। आप देखेंगे कि इधर एक बाबा खड़े हैं जो कि पूरा योगी आदित्यनाथ का रूप लेके खड़े हुए हैं। बाबा, ये रूप क्यों रख लिया आपने? हमारे पिताजी भागवत आचार्य हैं और शास्त्रीय आचार्य हैं। लेकिन आप तो पूरी योगी आदित्यनाथ की तरह लग रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरह। अब क्या है कि हमारा एक गांव में मंदिर है, उसके हमारे पिताजी महंत थे, अब वो उपाधि हमने
धारण कर रखी है। आपको इधर पिछले 5 साल में कुछ विकास होता नजर आया है? हमें तो लगता है कि 70 साल में पहली ऐसी सरकार हुई है जो इतना काम किए हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि और सरकार जो आएंगी वो इतना काम करके जाएंगी। विकास के नाम पे यहाँ पे हम लोग जितने लोग खड़े हैं, हमें नहीं लगता एक भी किसान होगा। किसान की समस्या किसान ही बता सकता है, ठीक है। यहाँ सब व्यापारी हैं, नेता हैं, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो किसान हो, ठीक है। अब जो किसानों को जो मिल रहा है 2000 रुपये जैसे उनको खाते में आता है, और जो बीमा की बात कर रहे हैं, कह रहे कि सरकार ने अच्छा काम किया है। काम हमारे हिसाब से तो खराब है नहीं, हमारे हिसाब से तो उचित अच्छा काम के हिसाब से तो खराब है नहीं। आपने कांग्रेस का पटका डाला हुआ है, आप तो जरूर कहेंगे कि यहाँ काम होने। नहीं नहीं, मैं इसलिए कहूँगा कि यहाँ पे बाबा जी खड़े हुए हैं, 5 काम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जनता बता दो। अच्छा अच्छा, चलो एक काम, सबसे पहला एक काम, गुंडा मुक्त हमारा प्रदेश है, ठीक है। अरे सुनिए 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 सुनिए, गुंडा मुक्त प्रदेश है नंबर एक। नंबर दूसरा, अभी हम लोग 3 साल कोरोना से ग्रसित रहे हैं। हम लोग नहीं है, हम लोग नहीं, पूरा प्रदेश है वो, पूरा बढ़ उससे दिक्कत है ना। काम नंबर एक आपका ये समझ लीजिएगा, गुंडा मुक्त प्रदेश है, ठीक है। कानून व्यवस्था नंबर एक पे, और जमीन पे ना, आप यहाँ से कहाँ चलना चाहते हो वहाँ चलिए, हम आपको दिखाएं। एक गड्ढा आपको कहीं सड़क पे मिलेगा नहीं, एक बार मिलेगा देखिए, सिर्फ गड्ढा ही मिलेगा। देखिए 5 कामों में एक काम भी नहीं बता पाए, ये प्रदेश की बातें करने लगे। जनपद के अंदर क्या हुआ है? जनपद के अंदर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे जो अस्पताल है उसमें रेफर सेंटर बना हुआ है, अस्पताल से मेडिकल कॉलेज पहुँचा दिया जाता है, मेडिकल कॉलेज से कानपुर। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़कें, सारी व्यवस्थाएं चौपट है। स्कूल की स्थिति कैसी है? कुछ नए स्कूल खुले हैं पिछले 5 सालों में? नए शिक्षक आए हो आपके क्लास में? हाँ काफी आए, 2-3 शिक्षक आए हैं। तो स्कूलों की दशा कैसी है? बढ़िया है स्कूलों की दशा। कैसे स्कूलों की दशा? स्कूलों की स्थिति खराब चल रही है अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो। प्राइवेट के पास तो प्राइवेट रुपए है तो वो अपना संभाल ले रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग जर्जर होती चली जा रही है और स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत होती है स्टूडेंट को अगर स्कूलों की बात करें तो? यहाँ पर सरकारी स्कूलों में अगर स्कूल है सही है, व्यवस्था सही है, लेकिन वहाँ पे टीचर नहीं है। टीचर सही है तो वहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, और पानी पीने खाने पीने की व्यवस्था कम हो है, यही व्यवस्था है। काम धंधा ठीक चल रहा है? बिल्कुल बेकार चल रहा है। बीजेपी सरकार ने करा क्या है, सिर्फ लॉकडाउन लोगों को बर्बाद किया है, और इसके अलावा और क्या किया है? लॉकडाउन नहीं करता तो फिर बीमारी बहुत हो जाती। कौन सी गड्ढा मुफ्त सड़कें हैं? जब चुनाव करीब आते हैं, जब गड्ढा मुफ्त सड़कें होती हैं। अभी चुनाव आने से पहले आपने देखा होगा खुद जाके, या कोई निकला हो रोड पे, डिवाइडर नहीं बने थे, पता चला फलाने नेता उरई आ रहे हैं, तो रातों रात बनती हैं यहाँ की उरई की सड़कें सिर्फ नेताओं के लिए, कि नेताजी जब आए नेताजी देखें, बाकी और कुछ नहीं देखे। अधिकारी कोई बड़ा आ जाए, सरकार चलती है तो काम दिखता है रोड पे, वही काम जो दिख रहा है। ये काम अभी भी बनना चालू हुआ क्योंकि चुनाव आना करीब हुए, जब चालू हुआ अम्बेक्टर चौराहे पे कोई मूर्ति जब अभी नहीं दिखा, जब चुनाव करीब आते जब काम दिखता है सिर्फ। आती है भैया? ठीक है, बिजली आती है लेकिन इसमें पुरानी सरकारों का योगदान है, जो अखिलेश सरकार में जो पावर पॉइंट जो बने हुए थे, पावर स्टेशन बने हुए थे। सरकार तो बहुत दावा कर रही है कि बुंदेलखंड के लिए हमने इतने पैकेज किए हैं और बहुत सारे पानी को लेकर काम किया। मैं आपको बताऊं, पीएम ने बड़ा अच्छा बांध यहाँ पर उसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन होते रहेंगे लेकिन काम जमीन में दिखाई देगा, फाइलों में दिखाई देगा। एक रूट पड़ती है जिला मुख्यालय से कौच के लिए, कम से कम 300 से 400 लोग एक्सीडेंट में मारे गए, चौड़ीकरण नहीं हुआ, मानक के अनुरूप नहीं हुई, ठीक है। और कोई भी महंगाई देख लीजिए आप, बेरोजगारी देख लीजिए आप, और जो भी अहम मुद्दे हैं, लोगों को भीख पे ला दिया गया है और लोगों के पास काम आम, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी महंगाई सबसे बड़े मुद्दे हैं, ध्यान भटकाना इनका काम है लेकिन जमीन पर इनका कहीं कोई काम है ही नहीं। इस बार चुनावों में मुद्दे क्या रहने वाले हैं यहाँ के लोगों के, किस लिए वोटिंग करेंगे? इसलिए विकास के लिए वोटिंग करेंगे, योगी के लिए वोटिंग करेंगे, या किसके लिए? शिक्षा पे ध्यान हो, बेरोजगारी है, बिल्कुल बेरोजगारी है, 5 साल में कोई शिक्षा को बिल्कुल स्तर बिल्कुल जीरो हो गया, और किसानों की मट्टी पलीत है। आप किसान हैं जी? क्या करते हैं आप, बताइए। किसानी में क्या उगाते हैं फसल, किस चीज़ की देते हैं? धान उगता है और गेहूं उगता है, मटर है, मटर की फसल बिल्कुल ध्वस्त हो गई। क्या है ध्वस्त क्यों हो गई, खराब क्यों हो गई? ये कोहरे के मारे। अच्छा।
बारिश की मार है, प्राकृतिक मार। हाँ, क्या है? कुछ नहीं है। सरकार तो कहती कि फसल बीमा हम दे रहे हैं, कुछ नहीं देता है, सब जो जुमलेबाजी है। और हर साल पीए भुकट जाता है फंड, और ना कुछ आता है ना। मतलब किसानों के लिए स्थिति ठीक नहीं, कुछ नहीं है। आपको लगता है कि बिल्कुल काम यहाँ पर नहीं हुआ पिछले 5 सालों में? हम आपको एक बात बता रहे हैं, ये राठ रोड है, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर पर मेरा गांव है मोहम्मदाबाद, उसके 3 किलोमीटर आगे कुसमिलिया गांव है। दोनों गांव में इतने टर्न हैं और वहाँ से पूरी बालू की आवागमन होती है, ये पूरे प्रत्येक खनन का। वहाँ पे हर रोज आप ये मानिए हर हफ्ते में 2 से 3 दिन में 1-2 दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तमाम नौजवान मर गए हैं वहाँ पर। और जब समाज तो क्या सरकार से कोई बातचीत, आप सुनना नहीं, सरकार से कोई बातचीत की आपने? हमारी बनाती है, हमारी बात सुनिए। ये जो है जब समाजवादी सरकार थी तो दोनों गांवों को बाईपास दिया गया था 1.5-1.5 किलोमीटर के। ये जो घटनाएं होती हैं नौजवान तमाम मोटरसाइकिलों से लोग एक्सीडेंट ना हो पाए, ये चीज बालू की जो गाड़ियां हैं वो कम से कम गांवों से हटके आए। काम हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। बात तो सुनिए, बात नहीं काम हुआ, मैं वही जानना चाह रहा हूं, काम हुआ कि नहीं? क्या काम होगा? आपने कहा सड़क नहीं, सड़क नहीं, यही हम बता रहे हैं, सुनिए। 1.5 किलोमीटर के बाईपास दे दिए गए थे, बाईपास नहीं बने, नहीं बने, उनको रोक दिया गया है। जो रोड डल रहा था वो रोड भी रोक दिया गया है। अभी रोक क्यों दिया, क्यों रोक इसलिए दिया गया है? काम ही नहीं हो रहा है कुछ, या फिर ये समाजवादी पार्टी ने दिया था? हमारी बात तो सुनिए, इनका केवल एक ही काम था, गड्ढा मुक्त। और कोई नए विकास की कोई रास्ताएं बनाई है इन्होंने कि हम इस रास्ता को बना सकते हैं? जो ये बात कह रहे हैं कि जो सड़कें पास हो गई थी वो सड़कें भी नहीं बनाई सरकार ने। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर, सड़कें बिल्कुल पहले से जो जितना भी विकास हुआ या जितने प्रपोजल दिए गए ये सब पहले के, हाँ पहले के थे। इसमें कहीं पर भी किसी भी चीज में कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ गवर्नमेंट ने कहीं कुछ। आप बताइए भाई साहब, क्या जो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, आप भी पब्लिक के तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे, स्टेशन की स्थिति मेरे को ठीक ठाक लग रही है कि काफ़ी रंगाई पुताई यहाँ पर हुई है? हम तो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में ये 5 साल में जो विकास किया है या विकास हुआ है तो विधायकों का हुआ है। विधायक ने अभी 5 करोड़ का होटल खरीदा है, अभी ये सदर विधायक ने। इसके बाद जो कालपी के जो विधायक थे उनके पता कर लीजिए, ट्रक डंपर चल रहे हैं। जमीन पे जनता के लिए जो काम होना चाहिए था 5 साल में, वो जनता के लिए कोई एक काम नहीं हुआ है जिससे जनता को लाभ पहुंचे। ये तो जनता इस बार वोट किस आधार पर देगी? जनता बता रही है कि विकास नहीं हुआ है और काम नहीं हुए हैं, तो क्या वो मुद्दे बनेंगे या पार्टी मुद्दा बनेगी कि बीजेपी की सरकार थी इसलिए हम वोट नहीं देंगे, या सपा सरकार आएगी वो काम करेगी? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ के विधायक हैं दोनों पे माधोगढ़ और उरई सदर का दोनों रिपीट हुए। मैं सवाल तो सुनिए, मैं सवाल क्या पूछा आपसे, मैं बता रहा हूँ, गांव-गांव विधायक जा रहे हैं, गांव से निकाला जा रहा है, नारे लग रहे हैं, विरोध हो रहा है उनका, यही सबसे बड़ा काम है। अब काम अगर किया होता तो विरोध नहीं होता। गाँव से विधायकों को गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये आप नीचे से आप सर्वे करके देख लीजिए, गांव में कहीं पे घुसने नहीं दिया जा रहा। हम गिना रहे समाज ये कि सरकार जो इतने दावे कर रही है कि बुंदेलखंड की बात करें तो, हम इस क्षेत्र की अगर बात करें जालौन की ही, तो यहाँ पर पहले सरकार ने बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सरकार ने दावा तो ये भी किया था कोरोना में ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई, ये इतना बड़ा झूठ। लाखों लोग, हजारों लोग आदमी इस ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए, जिसके घर का इंसान गया उससे पूछिए स्थिति क्या रही है गंभीर। तो सरकार पे आप मत जाइए, सरकार तो बहुत कुछ कहती है। सरकार कह रही किसान नहीं जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन जीवी थे, आतंकवादी थे, ये थे वो किसान जो 700 किसानों ने जन्म। आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, तो आपके हिसाब से तो काम नहीं हुआ होगा? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं, आपने यहाँ से लेके मुझे बता दिए, कौन सी सरकार ऐसी है कि जो आप ये कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? काम नहीं हुआ ना, काम हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई, काम कौन सा दंगा हुआ मुझे बताइए। आज सुनिए, कौन सा दंगा हुआ? मैं आपको बता रहा हूँ, दंगा कौन सा हुआ पिछले पांच? अरे आप मेरी बात, कानून व्यवस्था की बात कीजिए। दंगा तो वही कराते थे, सत्ता में बैठे हुए दंगा नहीं हो रहा, कौन कराता था बताइए? वही कराते थे जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने ही दंगा करवाए। पिछले 5 साल में दंगे हुए कोई? दंगा तो उससे पहले कितने दंगे हुए? बीजेपी की रिपोर्ट ही बता रही है कि आज बलात्कार में, हत्या में, गुंडा राज में नंबर एक उत्तर प्रदेश हो गया है। NRB की रिपोर्ट निकाल के देख लिए, ये हमारे आंकड़े नहीं। ये लोग मैच खेल रहा था, वहाँ पे मैच खेल रहा था, वहाँ के DM उनके पिच बना रहे थे, वो क्या था, कौन गुंडे हैं? पूर्वांचल का सबसे बड़ा गुंडा वहाँ मैच खेल रहा है। आप ये बताइए, वहाँ पे दंगा वाले सरकार में है इस समय, जो दंगा कराते हैं वो इसी सरकार में बैठ गए। बाकी कानून व्यवस्था खराब? बिल्कुल बिल्कुल खराब है कानून व्यवस्था। यहाँ पर क्या अपराध बढ़ा बताइए जरा? नहीं, पहले यहाँ तो पहले
यही तय किया जाए कि यहाँ अपराध नहीं था, सरेआम लूट होती हैं, हत्याएं होती हैं, अभी भी होती होते हैं। जी हाँ बिल्कुल होते हैं, अभी होता भाई बिल्कुल 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 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कौन सा ऐसा काम आप कहते हैं कि पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक महंगाई को जानती है, ये जानने निकले पब्लिक से? हाँ तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक ये भी जानती है कि 400 रुपए का सिलेंडर 1000 में बिक रहा है, पब्लिक ये भी जानती है कि जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर बिका करता था वो 100 के पार वो बिक रहा है, जो दालें हैं चीनी है। कौन सी ऐसी बात है जो मेन अगर मुद्दे पे बात करें तो गरीब को रोटी खाना मुश्किल है? वाकई में है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब है, इधर की सड़कें नहीं बनी हुई हैं, कानून व्यवस्था खराब हो रखी है। ये जो मेरे मित्र कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, 30 किलोमीटर यहाँ से कोंच है, दिन दहाड़े एक बेटी के ऊपर तेजाब डाल दिया गया था, बाबा जी कह रहे हैं मैंने प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया। अगर अपराध मुक्त कर दिया ये किया किया तो इसका मतलब अपराध मुक्त हो गया, एक बाबा ही हैं अपराध मुक्त। भाई हम लोग हमारी सरकार कितने लोगों पे कंट्रोल करेगी, 22 करोड़ जनता है देश की, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सुने सुने, अरे सुनिए, अरे तुम एनआरसी सीएम सब जानते हैं क्या हुआ, एनआरसी का विरोध जब हुआ था तो प्रदेश में कायदे का दंगा हुआ था, लोगों ने कितने लोगों का क्या क्या जला दिया, ठीक, दंगा करने वाले लोग बता रहे हैं, दंगा करने वाले सरकार में बैठ गए, तो दंगा करने वाले एनआरसी और सीए वाले कौन थे, जिन लोगों ने कौन थे? अभी तक एनआरसी सीए पे कहाँ है सरकार का मसौदा, कितनी बार डेडलाइन पार हो गई, किसे आपका मुद्दा था बंगाल आसाम के चुनाव में, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, एनआरसी पे आप बताइए कहाँ है रजिस्टर्ड सिटीजन, कहाँ है रजिस्टर्ड सिटीजन, किसे बेवकूफ बना रहे थे आप? आपका चुनाव, आप आसाम की जगह बंगाल में चुनाव जीतना चाहते थे मुसलमान और हिंदू करके, लेकिन बंगाल में आप चुनाव हार गए। असल में अब मेरी बात सुनिए, आप गुंडा गर्दी बढ़ी है, एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, होम मिनिस्ट्री पब्लिश करती है, अमित शाह का मंत्रालय है, थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, थोड़ा पढ़िए, एनसीआरबी का है, होम मिनिस्ट्री का मंत्रालय, उसमें कहा हत्या लूट बलात्कार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नंबर वन उत्तर प्रदेश है। ये और ये किसके मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के मंत्रालय से रिपोर्ट आती है कि उत्तर प्रदेश सबसे खराब कानून व्यवस्था में है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, पढ़े लिखे तो हैं यहाँ पे सब, मानवाधिकार आयोग ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश करी है, क्या बोला उसमें? आपका कहना है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल, अरे मेरा कहना नहीं है साहब, एनसीआरबी का डाटा है, आप जनता है ना, आप जनता है, जनता से बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए, आप गलत टॉपिक पकड़ रहे हैं, मैं आप मेरी बात सुनिए, जनता तो जान ही रही है, गृह मंत्री भी जानते हैं, रिकॉर्ड भी जानते हैं, फैक्ट जानते हैं, और हर दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की धज्जियां उड़ती है, एसआईटी का फॉर्मेशन होता है लखीमपुर में, 7 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाती है, 5 जनता है, देखिए सब जानती है, और सुनिए सर, जागरूक जनता है, बता रही है कि लखीमपुरी की बात की है, एसआईटी क्यों बनानी पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआईटी नहीं थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी 4 दिन तक आशीष मिश्रा टेनी जी का बेटा खुलेआम घूमता रहा, आप समझ रहे हैं, पुलिस जा रही है घर के बाहर, अंदर नहीं पकड़ पा रही है, घर के बाहर नोटिस, ये पब्लिक है सब जानती है, और जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो उसकी स्थिति हो रखी है। आप कुछ कह रहे थे भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये भाई साहब बोल रहे थे अभी, यही मुलायम सिंह बोल रहे थे, बच्चे गलती हो जाती बलात्कार पे, तो बोल रहे थे यही बात बोल रहे थे, ऐसी बात कर रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत, ये पब्लिक है सब जानती है, और आपसी मुद्दों को लेकर जनता ही अपना एक दूसरे का जवाब दे रही है, ये हो रही कि जनता जी बता रही है हमको कि किस तरीके से जो काम काज है वो यहाँ पर नहीं हुए हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सड़कों की बात करें, या दूसरे मुद्दों की बात करें, तो जब यहाँ पर वोटिंग होगी तो जो आधार है जनता के वो बता रहे हैं कि काम काज यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे में देखना होगा कि जब वोटिंग होती है और रिजल्ट आता है तो आखिर यहाँ पर कौन जीतती पार्टी जीत कर आती है और किसकी सरकार प्रदेश में बनती है, और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, जनता जो बात कह रही है कि काम हुए हैं नहीं हुए हैं, सरकार का जवाब देना बेहद ज़रूरी हो जाएगा।